इस लेक्चर में हम पेन टूल की बात करेंगे। पेन टूल से हम जो है वो मुख्तलिफ अपनी कस्टम शेप्स भी बना सकते हैं, और उसके अलावा इसको मतलब मुख्तलिफ वेक्टर जो कोई भी आइकॉन्स हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है वो जब यूआई डिज़ाइन की बात आती है तो इसको मैं सिर्फ़ यूआई डिज़ाइन के हवाले से जो है ना सिर्फ इसका यूज़ बताऊंगा, जो हमें वेब डिज़ाइनिंग में या यूआई डिज़ाइन में मोबाइल ऐप्स वगैरह में यूज़ होती है, सिर्फ उसी हवाले से मैं इसका ज़िक्र करूंगा। चलें थोड़ा सा इसका बता दूं आपको। ये पहले आप एक यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा करें या राउंडेड रेक्टेंगल ले लें। ये मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रा की। अच्छा, अब मैं आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि यहाँ से एक एरो सा निकला होता है और ये एक जिस तरह चैट बबल होता है उस तरह की शेप्स अक्सर आपने देखी होंगी। तो उसको बनाने का जो तरीका है वो ये है कि उसके लिए हम पेन टूल यूज़ करेंगे। ये पेन टूल है, इसको आप यहाँ से देखें, पी प्रेस करें तब भी पेन टूल आ जाएगा, और अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो यहाँ से भी। ये मेरा ख्याल है कि 7th, 8th या 10th नंबर पर है। ये यहाँ से पी प्रेस करें, पेन टूल आ गया। अब देखें, आपने ये शेप जैसी पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, ये शेप के आपको, मैं ज़रा जूम करता हूँ, ये देखें आपको यहाँ पे ये एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक से। तो अब हम क्या करेंगे कि शेप हमें चूंकि यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बाहर को निकला हुआ एरो चाहिए, तो हम यहाँ पे एंकर पॉइंट्स जो है ना कुछ ऐड करेंगे। देखें जैसे ही मैं लाइन पर लेके आया हूँ तो ये प्लस का साइन आ गया। अगर मैं लाइन से दूर करूँगा तो प्लस का साइन गायब हो जाएगा। जैसे ही प्लस का साइन आया, इसका मतलब है यहाँ पर हम एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया, उसके बाद एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और एक एंकर पॉइंट मिडल में ऐड करूँगा। दूसरा याद रहे कि एंकर पॉइंट हमेशा, ये देखें, स्क्वेयरिश शक्ल का होगा, स्क्वेयर टाइप का होगा। ये मैं और जूम करके दिखाता हूँ, ये स्क्वेयर शक्ल का होगा। जो इसके साइड पे गोल से डॉटेड इसके नज़र आ रहे होंगे आपको, ये हैंडल्स हैं इसके। ये भी इसकी मूव, इसको मतलब शेप की और ज़्यादा जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है या और फाइन ट्यूनिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो अब हमने ये देखें, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया और एक लेफ्ट पे, तीन एंकर पॉइंट लिए। अब हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे जो एंकर पॉइंट्स को जो है कंट्रोल करता है, या समझ लें उनको ड्रैग वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, उनको जहाँ पर उनकी पोजिशनिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपने सिंगल एंकर पॉइंट पकड़ना है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये वाइट वाला लेना होगा। ये देखें, अगर मैं ब्लैक वाला सिलेक्ट करूँगा तो वो पूरी शेप को सिलेक्ट कर लेता है। अगर मैं वाइट वाला लूँगा तो अब मैं एक सिंगल पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गया, ये डार्क है, बाकी सब हॉलो हैं, ये अंदर से खाली हैं, इसका मतलब है ये सिलेक्ट हुआ है। अब मैं कीबोर्ड पर अपनी की जो एरो है डाउन वाला वो दबाऊँगा, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसको नीचे करता जाऊंगा जहाँ तक मुझे चाहिए। इसको ज़रा मैं जूम आउट कर दूँ, ये देखें, अब ये देखें ये मैंने जो है ना वो एरो जनरेट कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो इसको मतलब ऐसे करना है तो इस तरह का भी कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह का भी आपने देखे होंगे। उसके बाद आप ये जो सिलेक्शन टूल है सिंपल वाला, हमारा मूव टूल है वी, उसको सिलेक्ट करें और ये देखें आपका जो चैट बबल था वो बन गया। अगर आप यहाँ पर इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चैट बबल, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो यूज़ है पेन टूल का वो नॉर्मली हम इस तरह करते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं इसके, जैसे यहाँ पे ये गोलाई आ रही है, इसको भी मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये गोलाई ना यहाँ पे नज़र आए, तो ये आप पेन टूल पकड़ेंगे। अच्छा, अगर आपने एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो ये देखें माइनस वाला आ रहा है, इस पर करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं कहीं क्लिक करता हूँ, ये देखें, अब ये एंकर पॉइंट अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये देखें यहाँ से ये शेप जो है वो चेंज हो गई है, वो एंकर पॉइंट अंदर से ख़त्म हो गया जिसने उसको ऊपर मतलब जो मूव ऊपर हुआ हुआ था, तो शेप जो है वो चेंज होती जाती है। उसके बाद अगर नॉर्मली यही ऐड और रिमूव ही हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो कन्वर्ट टूल पॉइंट है, पॉइंट टूल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें, ये काफ़ी कई दफ़ा हैंडी होता है और यूज़ होता है, इसको वापस ले आते हैं। अच्छा, ये कन्वर्ट पॉइंट टूल, अब इससे मैं क्या करूँगा कि अगर मैंने ये मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने ये सेलेक्ट किया, अब ये देखें इसके साथ हैंडल्स आ रहे हैं। अगर मैं इस हैंडल को देखें इधर मूव करूंगा तो ये देखें शेप जो है उसके साथ साथ जो है ना एक
कर्व में उसी तरह मूव हो रही है, अगर मैं नीचे करूँगा तो ये उस तरह का कर्व है, डिफरेंट कर्व्स हैं। अगर मैं इसका ये कर्व कम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको अंदर की तरफ करूँगा, इसको भी क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये देखें यहाँ से ऐसे हो गया। अगर इसको भी मैं गोलाई इसकी कम करना चाह रहा हूँ तो ये देखें मैंने इसको ड्रैग किया तो ये अब गोलाई जो है वो इनकी कम हो गई है, ये देखें अब इस तरह की शेप आ रही है। अगर मैं फिर ए सेलेक्ट करता हूँ और इसको मज़ीद एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो इसको मैंने ये देखें ड्रैग करके भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर ये तीनों मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ देखें तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये देखें ये चैट बबल जो है वो डिफरेंट किस्म का बन गया, इसको मैंने नीचे से पूरी शेप को ही चेंज कर लिया। इसको करूँगा तो ये भी हो सकता है, ये देखें इसी तरह ये है। अगर मैं इसको टोटली पॉइंटेड करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से कन्वर्ट पॉइंटर पॉइंट टूल जो है वो इसको लें और इसके ऊपर ना एक सिंगल बस सेंटर में क्लिक कर दें, ये देखें अब ये इसके जो राउंडनेस था वो ख़त्म हो गया, इसके हैंडल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। अगर दोबारा करने हैं तो ये देखें ये हैंडल्स दोबारा आ गए, इनको फिर आप थोड़ा सा बाहर को ड्रैग करें तो ये फिर राउंडेड हो जाएगा। तो नॉर्मली एक तो इस तरह की आपने देखी होंगी शेप्स, उसके बाद आपने अक्सर ये हम बंद करते हैं नेक्स्ट पे जाते हैं वो भी तकरीबन इसी तरह की शेप है, उसमें भी हमने अक्सर ये देखा होगा कि जैसे ये इस तरह एक ये भी बबल हेड ही है लेकिन ये तकरीबन थोड़ा डिफरेंट किस्म का होता है, ये सर्कल के साथ होता है। इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप इसको शेप टूल के साथ जो है ना यहाँ पे सॉरी पेन टूल के साथ जो है वो इसको बना सकते हैं। अच्छा इसको शेप टूल से भी बनाया जा सकता है और पेन टूल से भी बनाया जा सकता है, एक यहाँ पे क्लिक एक यहाँ पे ऐड किया और एक हम कहीं मिडल में सॉरी ये अलग हो गया, एक हम मिडल में लगा लेते हैं और ए से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें ये अक्सर आपने इस तरह चैट बबल देखा होगा और इसके अंदर आपने देखा होगा कि तस्वीर होती है किसी न किसी यूज़र की। जैसे मैं यहाँ से अभी सॉरी ये ड्रैग करके तस्वीर लगाता हूँ और आपको थोड़ा सा इसमें पता लगे कि ये किस तरह का इफ़ेक्ट आता है, ये देखिए अब मैंने तस्वीर यहाँ ड्रैग करके फेंकी है। अब मैं अगर इसको देखें एंटर करूँगा ये आ गई है इसमें, लेकिन अब ये देखें यहाँ पर इसके ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा अब मैं इसको आल्ट दबा के इन दोनों लेयर्स के सेंटर में ला रहा हूँ और यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये क्लिप हो जाएगा उसके अंदर। देखें ये इमेज जो है वो उसमें उस बॉक्स में क्लिप हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ये देखें अब ये देखें वो एरो सा एक एरो हेड नज़र आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें तो हम इसको ये देखें अब थोड़ा और नुमाया हो गया। अगर हम इसको और यहाँ से मेरा ख्याल है कि 4 पे 5 पे ठीक है, ये देखें अब इसका फ़ायदा क्या है कि अब मैं अगर ए दबाता हूँ तो फिर मैं शेप को अगर बदलना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसको पॉइंटेड यहाँ से करना चाह रहा हूँ, सेंटर में मैंने एक सिंगल क्लिक किया उसके बाद मैं मूव करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन टूल लिया और इसको यहाँ से मूव कर दिया। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने कम ज़्यादा कर दिया। तो यही नॉर्मली शेप टूल में हम ज़्यादातर यही चीज़ यूज़ करेंगे, बाकी हम जो है वो इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे शेप सॉरी पेन टूल, ये असल में दोनों अल्टरनेटिवली ज़्यादा यूज़ होती हैं, पेन और शेप टूल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इस तरह की शेप्स वगैरह बनाने के लिए। शेप टूल में हम टू शेप्स ऐड करके बना लेते हैं और पेन टूल में हम एक ही शेप को जो है उसमें और एंकर पॉइंट्स डाल के तो उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेप्स का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पे विज़िट करें learnuxid.com और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं नए न्यू कोर्सेज के बारे में एंड्रॉयड और iOS UI और हाउ टू डबल योर फ्रीलांस रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं, तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएं और मेरे YouTube का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू।